हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे। सो शायद थोड़े विच बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कल्ले रहना ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने एक मैं भी हाँ जिन्होंने ज़्यादातर कल्ला रहना पसंद है, पर उदो मेरे को एक इंटरनेट ते मेरा फोन होना जरूरी है। तो हुण तुसीं इमेजिन करो कि थानू एक महीना कल्ले रह के गुजारना है, तो उस वेले थोड़े को ना कोई गल्लां करन लई होवेगा, तो ना ही थोड़े को फोन होवेगा, तो ना ही कोई टीवी, तो ना ही कोई मूवी, मतलब कि कुछ भी नहीं। बिना किसी भी चीज़ तो तुसीं सरवाइव करना है एक महीना। पर शायद असीं उह चीज़ नूं सोच भी नहीं सकते कि वह महीने में साड़ी हालत की हो सकती है। पर अज असीं जिहड़े बंदे दी गल करन जा रहे हैं उन्हें एक महीना नहीं, एक साल भी नहीं, बल्कि 438 दिन कल्ले ने कढ़े ने, ते वह भी समुंदर दे विच जिथे वह तुर फिर भी नहीं सकता सी, ते ना ही उहदे सिर ते छत सी। ते हुण तुसीं इह वीडियो नूं लास्ट तक जरूर देखियो, क्योंकि सानू सब नूं इह इंसान तों सिखण लई बहुत कुछ मिलेगा। सो जिहड़े बंदे अज अपने आप नूं कल्ला महसूस कर रहे ने, ते हौसला छड्डी बैठे ने, ते जिंदगी तों अक्के बैठे ने, उन्हां लई इह वीडियो बहुत ही वधिया साबित हो सकती है। सो अगे वधण तों पहलां नाल दी नाल वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ, ते हर रोज़ मोटीवेट दा डूज लैण लई सानूं फेसबुक ते इंस्टाग्राम ते फॉलो कर सकदे हो, जिसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा। सो नाल दी नाल एक गल होर क्लीयर कर दिंदे आ, जिहड़े बंदिआं नूं इह स्टोरी बारे पता है उह इह वीडियो नूं इत्थे ही छड्ड सकदे ने, क्योंकि असीं उह बंदिआं लई वीडियो बना रहे ने जो अपनी जिंदगी तों ते अपने हालातां तों अक्के होए ने, ते जिन्हां नूं इह स्टोरी बारे नहीं पता खास करके उन्हां लई इह वीडियो बनाई गई आ। सो उह इह वीडियो नूं लास्ट तक जरूर देखण। सो गल करते हैं प्रशांत महासागर, धरती का सब तो बड़ा समुंदर, जिन्हें धरती का 30% हिस्सा कवर किया होया है, तो साड़ी धरती नूं ब्लू प्लैनेट इहदे करके ही कहा जाता है। मतलब कि जे असीं पूरी धरती की जमीन नूं कट्ठी मिला दीए तां भी उह इह महासागर का मुकाबला नहीं कर सकती। मतलब जेकर कोई एडे बड़े महासागर दे विच खोंदा है तां उहदे मिलण दे चांस ना दे बराबर ही होणगे। तो यही कारण है कि जो सैलवाडोर एल्वर रंगा इह महासागर विचों बच के आ गया सी, इहदे कारण इह कहानी इह वीडियो नूं होर भी इंट्रस्टिंग बना देवेगी। तो इह इंसान ने ना चाहते हुए भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिता जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी विच कदे भी तोड़ना नहीं चाहेगा। हाँ जी, 438 दिन समुंदर दे विच खोए रहने का रिकॉर्ड बनाया ये इंसान ने। तो ये इंसान ने अपनी जिंदगी नूं बचाया किवें, ये जानने तो पहला असीं ये जानते हैं कि वह समुंदर दे विच खोया किवें। मैक्सीको 2012 एल्वरंगा एक बहुत ही एक्सपीरियंस वाला मशीरा सी। 17 नवंबर 2012 एल्वरंगा ते उहदा दोस्त एक छोटी जी किश्ती लैके मच्छियां फड़न लई निकले, ते उन्होंने सोचा कि वह 30 घंटे की शिफ्ट ला के वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्हां दी किश्ती उस समय बहुत ज़्यादा छोटी सी, ते उहदे विच लंबे समय तक रहण लई समान भी नहीं सी, ते उह किश्ती सिर्फ 7 मीटर लंबी सी, ते उहदे विच कोई छत भी नहीं सी, ते उहदे विच एक सिर्फ मोटर सी जिहदे नाल किश्ती चलदी सी, ते एक छोटा जा फ्रिज सी जो उन्होंने अपनियां फड़ियां हुईयां मच्छियां नूं रखण लई लिया होया सी। ते उन्होंने यह भी अंदाजा सी कि तूफान आउण वाला है, पर फिर भी उन्होंने एक चांस लिया, ते उन्होंने सोचा कि जेकर वह तूफान आउण तों पहलां आ जाणगे तां उन्हां दे हफ्ते भर दा खर्चा आराम नाल निकल जाएगा। ते जदों वह किनारे तो 120 किलोमीटर दूर सी तां हवावां तेज हो गईयां, मतलब कि तूफान उन्हां दे अंदाजे तों पहलां आ गया, ते रात नूं 1 बजे तूफान उन्हां दी किश्ती नूं टकराया, ते उन्होंने उस वक्त ही अपने बिछाए हुए मच्छियां दे जाल नूं अपनी किश्ती तों वढ के अलग कर दिता, ते बोट विच जो समान सी उन्हूं कढ के बाहर सुट्टन लगे तां जो तेज हवावां नाल उन्हां दी बोट भारी वजन नाल डुब ना जावे। ते हुण उह किनारे तों 6 घंटे की दूरी ते सी, ते उन्होंने किनारे तक जाण लई पूरी जान लगा दित्ती सी, ते उह तूफान विच उन्हां नूं किश्ती नूं मोड़दे मोड़दे सवेर दे 7 बज गए सी, पर हुण उह किनारे तों सिर्फ 24 किलोमीटर दूर रह गए सी, ते उन्हां नूं जमीन दिखणी भी शुरू हो गई सी। पर इस तों बाद कुछ इदां दा होया कि उन्हां दोनां दी जिंदगी बदलण वाली सी। अचानक उन्हां दी किश्ती दी जिहड़ी मोटर सी उहदे विचों धुआं निकलण लग गया, ते उहदे विच सिर्फ एक ही मोटर सी, मतलब कि जेकर उह मोटर खराब हुंदी तां उह किश्ती नूं ना अगे कर सकदे सी ते ना पिछे, ते मोटर खराब हुंदे ही तेज हवा उहनां नूं फेर दुबारा समुंदर दे विचकार लिजाण लगी। पर किस्मत नाल उहनां दा रेडियो हले भी कम कर रिहा सी, ते उही रेडियो कारण उहनां ने अपने मालक नूं अपनी लोकेशन भेजण दी कोशिश कीती, ते हले एल्वरंगा अपनी लोकेशन दे ही रिहा सी, अचानक रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है। तो यह सुन के थानू एक फिल्म की कहानी की तरह लग रहा होगा, पर एक बार सोच के जरूर देखो कि उन्हां दोनों ते उस वक्त की बीत रहा होगा। अपनी मंजिल के करीब आने तो बाद कुछ ऐदा का हो जाए तो उन्होंने सोचो किदा का महसूस हो रहा होगा। तो उन्होंने मालिक ने उन्होंने कई दिन तक लभ्या, ते कई फिशिंग पॉइंट ते भी देखिया, पर उन्होंने वो कितने भी नहीं मिले, क्योंकि हुण तक वह महासागर के विचकार चले गए सी।
पांच दिन बाद तेज हवावां ने उन्हां नूं किनारे तो 450 किलोमीटर तो भी ज़्यादा दूर पहुँचा दिता सी। ते उन्हां दे चारे पासे उन्हां नूं इको चीज़ नज़र आउंदी सी, ओह सी पानी पानी पानी। ते उन्हां दी वोट इन्नी छोटी सी कि जेकर कोई उपरों हवाई जहाज या हैलीकॉप्टर दे नाल उन्हां नूं लभण दी कोशिश करे तां ओह वोट उन्हां नूं दिखाई भी नहीं दे सकदी सी। ते हुण उन्हां नूं इदां लग रिहा सी कि ओह दोनों मरन वाले ने, पर उन्होंने हार नहीं मनी। ते ओ खान लई मच्छियां नू ते चिड़ियां नू अपने हत्थां नाल फड़न लगे। ते हुण उन्हां दे आस पास इस तों इलावा समुंदर दा खारा पानी सी जिस नू ओ किसे भी हालत विच पी नहीं सकदे सी, क्योंकि समुंदर दा खारा पानी पीण नाल वॉशरूम ज़्यादा आउंदा है ते जिन्ना पानी असी पीने आ उस तों दुगना साडे शरीर चों बाहर निकल जांदा है। ते लंबे समय तक यह पानी नू पीण नाल किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। ते उन्हां दोनों नू ज़्यादा साइंस तो नहीं पता सी, पर उन्हां नू इन्ना क पता सी कि जेकर वह समुंदर का पानी पीना शुरू कर देंगे तो उन्हां दी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। ते फिर उन्हां नू समुंदर दे विचों ही प्लास्टिक की बोतल मिली ते वह बोतल दे विच उहो मीह दा पानी इकट्ठा करके पींदे सी। ते लंबे समय तक जदों बारिश नहीं हुंदी सी तां फिर उन्हां नूं ना चाहुंदे होए भी मच्छियां या फिर कछुए दा खून पीना पैंदा सी जिहदे नाल उन्हां नूं जरूरी तत् ते विटामिनस मिल जांदे सी। ते जदों उन्हां नूं इह सब भी नहीं मिलदा सी तां उन्हां नूं अपना ही पेशाब पीना पैंदा सी। ते जदों किसी भी इंसान कोल दूसरा रास्ता ना होवे तां इह तरीका जान बचा सकदा है। वैसे अपनी पेशाब नूं पूरी तरह छाणने तों बाद पीना भी कोई चंगा आइडिया तां नहीं है, क्योंकि इह किडनी ते बहुत ज़्यादा लोड पाउंदा है, क्योंकि तुसीं उन्हूं उही चीज़ दोबारा दे रहे हो जो उन्हें फिल्टर करके वेस्ट विच कढ़िया सी। पर इह समुंदर दे पानी तो तां चंगा ऑप्शन है। ते हुण तुसीं इक वारी सोच के देखो कि तुसीं ऐदां जी रहे हो कि थोड़े कोल ना ही खाण लई है ते ना ही पीण लई, ते थोड़े कोल सिर्फ एक ही इंसान मौजूद है, ते थोड़ा सोना जागना ते खाना पीना ते उन्हूं कढ़ना सब कुछ एक छोटी जी बोट ते ही हो रहा है। सो असी तो सोच भी नहीं सकते कि उन्हां ते उस वक्त की बीत रहा सी। ते कई महीने इदां रहन कारण एक व्यक्ति दे शरीर ते ही नहीं बल्कि उहदे दिमाग ते भी असर पैंदा है। ते एल्वा रंगा दे मुताबिक यही सब उसके दोस्त नाल होया, क्योंकि चार महीने कल्ले रहन कारण उसके दोस्त ने जिउंदे रहन की उम्मीद छड्ड दित्ती सी, जिस दे कारण उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया ते जिस कारण उसनू अलग अलग चीजा महसूस होने लग गईयां। ते कदे कदे उहनू इदां लगता सी कि उन्हें सह नहीं आ रहा, ते कदे कदे वह अपने आप नू मारन दी गल्लां करन लग जांदा सी, ते जिस दे कारण उन्हें हौली हौली खाना छड्ड दिता ते बीमार हो गया ते कुछ दिन बाद उहदी मौत हो गई। ते एल्वा रंगा हुण बिल्कुल कल्ला रह गया सी। ते एल्वा रंगा ने दस्या कि एक बार उसके सामने तो समान ले जाण वाला वड्डा जहाज निकलिया ते उहदे विच्चों चार लोगों ने उन्हू देखिया ते उन्हां ने उन्हू हाथ भी हिलाए पर ओह उन्हू बचाउण लई नहीं रुके। पर हुण इदां भी हो सकदा कि इह उसके दिमाग का एक बहम होवे, क्योंकि कल्ले रहण कारण दिमाग इदां दीआं रचनावां बनाउण लग जांदा है। पर जेकर इह सच सी तां ओह चारां नूं इंसान कहाउण दा कोई हक नहीं जिन्हां ने इहनूं देखिया सी पर मदद करन लई नहीं रुके। ते हुण 8 महीने लंघ गए सी ते एल्वा रंगा ने 8000 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया सी। ते 30 जनवरी 2014 नूं एल्वा रंगा नूं आपदे नेड़े तेड़े नारियल तैरदे हुए दिखे ते इह देखण तों बाद उहदी जान विच जान आ गई, क्योंकि उसनूं पता सी कि जेकर नारियल इत्थे तैर रहे ने तां नेड़े तेड़े टापू भी कोई जरूर होवेगा। ते जदों उसनूं थोड़ी दूरी ते एक टापू दिखाई दिता तां उस वल वधण लई उसने पानी विच जोर जोर नाल हथ मारने शुरू कर दिते ते उह टापू तक पहुंचण लई उसनूं अद्धा दिन लग गया। ते आखिरकार उह दिन आ ही गया जदों एल्वा रंगा ने एक साल तो भी बाद वह छोटी जी वोट विचों निकल के धरती ते पैर रख्या ते कई महीनों बाद किसी दूसरे इंसान नूं देख्या। एल्वा रंगा एक छोटे जे आईलैंड ते पहुँच गया सी जिसका नाम सी एवॉन एटॉल। ते थानू ए जान के हैरानी होवेगी कि यह दुनिया के सब तो छोटे आईलैंड विचों एक है, ते जेकर वह गलती नाल इत्थे ना आउंदा या फिर हवा इधर या उधर चल जाती तो वह ए टापू ते कदे भी नहीं पहुँच सकता सी। ते जेकर ए टापू मिस होण तो बाद भी वह बच जाता तो शायद वह उत्थों 5000 किलोमीटर दूर फिलपींस के टापूआं ते आके ही जमीन नूं देख पाउंदा, वह भी तो जेकर कोई हवा या तूफान ना आउंदा। ते जेकर देखिए उन्हूं 11000 किलोमीटर आउण लई 438 दिनां दा वक्त लग गया सी। ते जेकर उसदा ए आईलैंड भी मिस हो जांदा तां उसनूं जमीन ते आउण लई 240 दिन होर लगने सी, पर किस्मत दे साथ नाल उह दुनिया दे सब तों बड़े समुंदर दे सब तों छोटे
ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਵਾਰੰਗਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲਵਾਰੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬਰ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਲਵਾਰੰਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਐਲਵਾਰੰਗਾ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ